अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नाज़िया अल्ताफ़ अहमद फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट इन JT आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज फॉर वुमेन मालेगांव नासिक। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस अबाउट द फेमिनिज्म फॉर TYBA G3। द टाइटल ऑफ द पेपर इन TYBA G3 इज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 1914 to 1992। The title of the unit is Conceptual Study Feminism. Okay, dear students, आज हम फेमिनिज़म के बारे में के मालूमात हासिल करेंगे। फेमिनिज़म क्या है? What is feminism? Feminism refers to movements and ideologies that share a common objective to define, establish and achieve equal political, economic and cultural, पर्सनल एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस तहरीक को, फेमिनिज्म मोमेंट्स को चलाने का जो है तो एक मकसद था। ये एक मोमेंट है जो कि औरतों की फलाह और बहबूद से ताल्लुक़ रखती है। 18वीं और 19वीं सदी में इस तहरीक ने ज़ोर पकड़ा, औरतों को समाज में सियासी, माशी, सामाजिक बराबरी देना इस तहरीक का अहम मकसद था। इस तहरीक में जो कि अमेरिका से शुरू हुई और यूरोप में ज़ोर पकड़ी, मैं आपको ये बता दूं, फेमिनिस्ट मोमेंट कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर वुमेन्स राइट विच इंक्लूड द राइट टू वोट, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, टू वर्क, टू फेयर वेजेस और इक्वल पे, टू ओन प्रॉपर्टी, टू एजुकेशन, टू इंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, टू हैव इक्वल राइट्स विद इन मैरिज एंड टू हैव मैटरनिटी लीव। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि फेमिनिस्ट मोमेंट जो है वो 18वीं 19वीं सदी में जो है तो इसने ज़ोर पकड़ा और इस तहरीक का अहम मकसद था कि औरतों को समाज में सियासी, माशी, सामाजिक और बराबरी देना इस तहरीक का अहम मकसद था। ये तहरीक अमेरिका के में शुरू हुई, यूरोप में ज़ोर पकड़ी। अमेरिका के शहर शिकागो 1933 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। फेमिनिस्ट कैंपेन्स आर जनरली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेन फोर्सेस बिहाइंड मेजर हिस्टोरिकल सोशल चेंजेस फॉर वुमेन्स राइट, है ना। फेमिनिस्ट थ्योरी विच इमर्ज्ड फ्रॉम फेमिनिस्ट मोमेंट एम्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी बाय एग्जामिनिंग वुमेन्स सोशल रोल्स एंड लिव लाइफ एक्सपीरियंस। इट हैज़ डेवलप्ड थ्योरीज इन अ वैरायटी ऑफ टू इशू सच एज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, है ना। फेमिनिज्म मोमेंट जो है तो 1933 से शिकागो में जो है तो स्टार्ट हुई, ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इस तहरीक का मकसद ये था कि जब औरतों को सियासी, सामाजिक बराबरी अता की जाएगी तो इनमें खुद एतमादी पैदा होगी। खुद एतमादी की वजह से औरतें खुद एतमाद हों और ये अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए समाज को तरक्की की तरफ गामसन कर सकते हैं। एक मुल्क, एक समाज और एक माशरा को तरक्की और फलाह की तरफ ले जाने के लिए ये ज़रूरी है कि उस कॉन्फ्रेंस में ये करारदाद मंजूर हुई कि औरतों में खुद एतमादी पैदा हो, उन लोगों में खुद एतमादी के साथ साथ ताउन का, मर्दों के साथ ताउन के जज्बे को फ़रोग दिया जाए। वो अपने घर की औरतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान की औरतों में जितने भी सामाजिक इंस्टीट्यूशन हैं, सामाजिक तंजीमें हैं, माशी तंजीमें हैं, औरतों को इक्वालिटी फ्राहम करे। और इसके लिए ज़रूरी था कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और इसमें ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन थी SICO,
है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सपोर्ट की। और इसके बाद यूरोप के कुछ ममालिक आगे आए और अमेरिका के आने के बाद इन मुल्कों में फेमिनिज़म की तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी थी और गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में औरतों को बाकायदा सामाजिक बराबरी रुतबे और ओहदे दिए जाने लगे। उसके बाद जो तो यूरोप के बाद धीरे धीरे अलग अलग मुल्कों में भी ये फैलने लगी फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब हम हमारे मुल्क में आते हैं कि जो कि हम फेमिनिज़म पढ़ा रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि उस वक्त हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत थी और उस वक्त दूसरी आलमी जंग का दौर चल रहा था। 1933 की बात है ये, है ना, यानी कि 33 का पीरियड दूसरी आलमी जंग के करीब करीब का पीरियड था, है ना। तो बरतानिया ने हिंदुस्तान में इस तहरीक को ज़्यादा ज़ोर देने के लिए यहाँ पे सामाजिक वर्करों को, यहाँ के सामाजिक मुस्लिहीन को आगे आगे किया। चूँकि बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में औरतों को हुकूक दिलाने के लिए मुख्तलिफ़ कवानीन पास किए थे, जैसे कि 1829 में सती की रस्म के कानून के ख़िलाफ़ कानून बना, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बनाया। 1856 में लॉर्ड डलहौज़ी ने बेवाओं की दूसरी शादी का कानून बनाया। 1884 में एक कानून बनाया गया जिसमें औरतों की शादी की उम्र मुकर्रर की गई, कम उम्र की शादी के खिलाफ कानून बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और ये सब जो था, जितने मोमेंट्स, जितने भी कानून बनते जा रहे थे, ये सब उसी फेमिनिस्ट मोमेंट का असर था, है ना। ब्रिटिशर्स जो है तो उस तरफ 1933 में ये फेमिनिज़म मोमेंट ज़ोर पकड़ चुकी थी, इसलिए हिंदुस्तान में इतने कानून औरतों के फलाह और बहबूद के लिए जो है तो काम करने लगे थे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में था। और यही वजह है कि 1928 यानी 1928 में शारदा एक्ट लाया गया जिसमें औरतों की शादी की उम्र 14 साल मुकर्रर की गई, वरना हिंदुस्तान में बचपन की शादी का रिवाज हो चुका था मुकर्रर, है ना। और इसका मकसद भी यही था कि औरतों को समाज में सामाजिक बराबरी, सोशल इक्वालिटी फ्राहम की जाए। हिंदुस्तान में अब हम अपने मज़हब की तरफ आते हैं कि औरतों को हमारे मज़हब में कैसे हक़ दिया गया है, है ना। तो मैं आपको ज़रा सा बता दूं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जो इस दौर में तलवार कुश्ती और रेस के मुकाबले उस ज़माने में भी हुआ करते थे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है तो हुजूर के कांधों पर जो है तो पर्दा रख कर खेलों के मुकाबले देखा करते थे। और औरतों में और औरतें भी जो है तो खेल में जो है तो मुनक़द किए जाते थे। और इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर हज़रत आयशा के साथ रेस लगाया करते थे दौड़ की। औरतों को हक देने का काम पहले अमेरिकन ने किया, फिर यूरोपियन ने किया, मगर दुनिया ने जो है तो मैं कहना चाहती हूँ कि औरतों का पर्दे का हक है। औरतें पर्दे में रहकर वो तमाम काम जो एक मर्द करता है, वो औरत जो है तो पर्दे में रहकर सारे काम जो है तो कर सकती है, ज़रूरी है जो उसके लिए, है ना। जो शख्स जितना ज़्यादा अहमियत होता है उसको उतना जो है तो सिक्योरिटी में रखा जाता है। इसीलिए हमारे मज़हब इस्लाम ने भी औरतों को पर्दे में रहकर हर चीज़ की इजाज़त दे रखी है, है ना। इसी तरह से जो है तो 10वीं सदी में यूरोप ने 17वीं और 18वीं सदी में औरतों के हक़ की बात कही, मगर 10वीं सदी में फातिमा फेरी नामी औरत ने मोरक्को की जो लेडी थी, उस औरत ने दुनिया की सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है तो फॉर वुमेन कायम की थी उन्होंने, है ना। और हिंदुस्तान में जो तो 1916 में पहली यूनिवर्सिटी कायम की गई थी फॉर वुमेन। उसके बाद जो तो 1848 में लड़कियों की पहली स्कूल कायम की गई थी, जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले ने कायम किया था, और इसके लिए शेख फातिमा नामी औरत ने सावित्री बाई फुले की मदद की थी, और जगह शेख उस्मान नामी शख्स ने महात्मा ज्योतिबा फुले को जगह फ्राहम की थी, है ना। यानी औरतों को हर मुकाम पर, हर सतह पर कुछ कफिल बनाने की बात की गई है इसमें, इस्लाम में भी यही बातों को जो है तो औरतों की तालीम समाज में, माश में, घर में, उमूर खानादारी, हर तरह से माश में। अब माशी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि हमारे मज़हब में माशी बराबरी का हक कैसे, मैं आपको मिसाल देती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 40 साल, उन दोनों का निकाह हुआ,
निकाह से पहले तजारती ताल्लुकात थे, दोनों एक दूसरे को सिर्फ लाइफ पार्टनर के लाइफ पार्टनर की बजाय बिजनेस पार्टनर से उन लोगों ने पहले जानते थे एक दूसरे को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये दोनों जो तो बिज़नेस पार्टनर थे, यानी हज़रत खदीजा के कारोबार को फैलाने, माल को दूसरी तरफ ले जाने का काम किया करते थे, है ना। और उनको ये लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ईमानदार हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हैं, बहुत ही क्लियर हैं, तो उन्होंने ख़ुद से निकाह का ऑफ़र किया था और उन्होंने पर्दे में रह कर तजारती ताल्लुकात कायम किए थे। माशी बराबरी उस दौर से चली आ रही है हमारे अपने इस्लाम में जो है तो औरतों को हर तरीके के हुकूक़ दिए जा रहे हैं, ये इसकी मिसाल हमें मिल रही है, है ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर को जो तो सियासी मशवरे दिया करती थी और जंगों में शामिल भी होती थी, उन्हें सियासी सूझबूझ भी थी और सियासी मशवरे भी हमारे हुज़ूर को दिया करती थी। उस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आती थी और ये कहती थी कि हमें भी बताएं, हमें भी शामिल करें, हम भी आपके साथ जंग में शामिल होना चाहती हैं। तो उन्होंने फरमाया किसी वजह से जंग में शामिल होना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि जंग में अगर पानी पिलाने की ज़रूरत हो और दूसरे जो काम होंगे तो वो आप बखूबी अंजाम दे सकते हो। तो ये हमारी जो तो कहना चाहिए इनइक्वालिटी को दूर करता है, है ना। तो ये हमारे नबी के दौर से जो है तो हमारी औरतों की जो तो हक़ की बात कही जा रही है हमारे नबी के दौर से। तो मैं हम समझ सकते हैं कि इस्लाम में जो है तो औरतों को सोशल राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, समाज में जो है तो माशी बराबरी और समाज में समाजी बराबरी और इस तरह से हर जगह पर्दे में रहकर जो है तो हर हुकूक अदा किए हैं मज़हब इस्लाम ने। तो ये होता है ये था फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है तो बाद में यूरोप में ज़ोर पकड़ी, उसके बाद जो है तो हिंदुस्तान में भी इसके बहुत सारे कवानीन, औरतों की फलाह और बहबूद के कवानीन बनाए गए और इस तरह से औरतों को गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी तंजीम हो, औरत की औरतों के लिए जो है तो सीट्स रिज़र्व की जाने लगी, है ना। 33% जो तो रिज़र्व जो तो महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दी जा चुकी हैं हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इस तरह से इस टॉपिक में जो तो फेमिनिज़म के बारे में हमने पढ़ा। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस नेक्स्ट PPT नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।